आंडीर वन में कबड्डी खेलते खेलते एक इनके साथ जो कान्हा भांगी था वो हार गया। देखो ये कभी हार भी हरा भी देते कभी जीता भी देते, उसे जिताते ही ज्यादा और उसने की कुछ लीला ही ऐसी थी। तो कान्हा भांगी हार गया तो कहा देखो शर्त थी कि जो हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा और जो जीतेगा वो चढ़ करके जाएगा, तो तुम हार गए हो इसलिए आज तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कान्हा भांगी को घोड़ा बना दिया। अब घोड़ा बनाए करके ये सरदार जी चढ़े है ना, और मस्ती से टिक टिक करके कुछ दूर ले गए। थोड़ा समय हुआ जो घोड़ा वोड़ा चढ़ाई हुई, अब रात्रि का समय उपस्थित हो गया, आप चलो। गोविंद सखा ने कहा ऐसे नहीं चलो। फिर कैसे? कहा भांगी के ऊपर चढ़े हो तो कम से कम स्नान तो कर लो है ना, ऐसे ठीक नहीं है। कहा नहीं भैया, ठंडी का समय, मांग का महीना, अब हम तो जो है जरूर जाएंगे। भांगी जी तो अपने उधर गए और इधर ये गोविंद सखा ने कहा आचमन कर लो, थोड़ी सी स्नान मत करना। आचमन कराने के लिए ले गए, कहा चलो नहीं मान रहे तो आचमन कर लेंगे, थोड़ा सा जल छिड़क लेंगे, पवित्र पवित्र हुआ हो जाएगा। तो सीढ़ी में बैठे और बैठ करके आचमन जैसे ही करने लग गए वैसे गोविंद सखा ने एक धक्का जोर से दिया से ठाकुर जी जमुना जी में डुबकी लगाने लगे। जय जय अब ये तो डुबकियां लेने लगे, तुरंत पकड़ करके निकाले, कपड़े जितने थे सब कीड़े हो गए। मंदिर में जब पहुंचे तो कपड़े पूरे गीले। तो साईं विठ्ठलनाथ जी ने पूछा जय जय सरकार ये क्या हो गया, कपड़े कैसे गीले हो गए? कहा आपके गोविंदा ने हमें धक्का दे दिया। पूछा कि क्यों गोविंदा, तुमने धक्का क्यों दिया? कहा गोसाई जी आप इतना छुआछूत रखते हैं, अपरस रखते हैं, और ये कान्हा भांगी के ऊपर चढ़कर के बिना स्नान के चले आ रहे थे तो हमने धक्का दे दिया, तो कौन सी गड़बड़ी? तो आप भी ठीक नहीं की, जो भांगी को छुए तो आपको छुआ। अच्छा वहां छुआछूत का विशेष महत्व हमारे संतों में होता नहीं है तो वहां भी अपरस बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे टकसाल कहते हैं उनके यहाँ सब अपरस लिखते हैं, तो वो बहुत अमनिया और ये सब देखते थे। अंतोदत्ता उस दिन का मामला तो कैसो निपटा। दूसरे दिन की बात, एक दिन ये जब सरयू स्नान जमुना स्नान करके आ रहे थे, एक घड़ा जल रखे थे सिर पर, कहीं रास्ते में बेचारे को लवसन का लगाई हो इसको गोविंद सखा को, तो किसी ने जाकर के गुरु जी से शिकायत कर दिया कि इतना बूढ़ा आदमी ये खड़े खड़े लवसन का करता है। स्वामी जी ने बुलाया गोसाई विठ्ठलनाथ जी ने, क्यों भाई खड़े खड़े लवसन का क्यों करते हो, तुम्हें पता नहीं है ये नियम नहीं है वैदिक परंपरा का? कहा ये बताइए स्वामी जी गुरुदेव कि घोड़ा भी क्या बैठ करके लवसन का करता है? इस अंधे को हम खड़े खड़े लवसन का करता दिखाई दिया पर हमारे पीठ में घोड़ा बना करके सिनार जी चढ़े थे तो हम बताओ कैसे बैठे बैठ करके लवसन का करें, है ना? ऐसी एक दिन महाराज ये जाने आर्थिक गोविंद सखा और इधर ठाकुर जी की भोग का थाल। जैसे ठाकुर जी का भोग का थाल आया,
वैसे गोविंद सखा ने कहा ना, आज ठाकुर जी का थाल नहीं जाएगा, आज सबसे पहले हमारा भोग लगेगा। पुजारी ने और समझाया, माना नहीं। रसोईया ने पटका लगा तो रस्ता नहीं, आज थाल पहले हमारा। उसके बाद फिर जा करके लोगों ने शिकायत की, आपने इतना बढ़ा दिया है उस गोविंदा को कि मानता नहीं, ठाकुर जी का जो श्रीनाथ जी का भोग लगा नहीं और स्वयं भोग लगा। श्रीनाथ जी ने गोसाई विठल नाथ जी ने बुलाया, क्यों गोविंदा ऐसा क्यों करता है? कहा, सरकार आपको पता नहीं है, ये भोजन पहले पा लेते इनका भोग लग जाता है और ये गैया चराने के लिए चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं। तो जब हम पहले पालेंगे तो फिर इनको हम तो ताकेंगे और ये नहीं ताकते, ये चले जाते हैं, इसलिए आज से हमारा भोग पहले। गोसाई जी ने कहा कि भैया अब एक काम किया करो, दोनों का एक ही साथ दे दिया करो, एक थाली उसको और एक इसको। वो तो जानते थे किस तरह से ये भोग लगाते, ठाकुर जी की थी समर्पित। एक दिन और कबड्डी का खेल हुआ, तो जब खेल प्रारंभ हुआ तो खेलते खेलते हमारे ठाकुर जी हार गए। आज ऐसे भी है कि हारे हूँ खेल जिताव ही मोही, मैं प्रभु कृपा जान जिए जो ही। वो अपने भक्तों को हारते हुए देख करके और जिता देते हैं, तो आज वो हार गए और भागे। महाराज वो गोविंदा पीछे दौड़ा, अरे आज दाम हम लेकर के मानेंगे, बिना दाम लिए मानेंगे नहीं। अब भागते भागते वो तो सीधे मंदिर के अंदर घुस गए और ये दरवाजे में बैठे, बेटा अब निकलोगे तो इसी रास्ते से, तो आज हम तुम्हारी खबर ले लेंगे चाहे जैसे।